भाई मैं लास्ट में से एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखो ऐसी बाइक है ना, आप सिर्फ उन्हीं को दिखाएं जो इस जॉइंट बाइक को समझ सकते हैं। ऐसे किसी बंदे को मत दिखाना कि जिस तरह मैं लेके गया था, जिसको समझ ही नहीं थी इस बाइक को कैसे फिट करना है। उस बंदे ने बाइक तो खोल दी, पर भाई आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदा बता मेरे से क्या पूछ रहा कि इंजन के स्टड कहाँ लगते हैं। अब आप कुछ सोच सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी। उस मैकेनिक ने तो ना मतलब ये तक कह दिया था कि बाइक का तो इंजन बंदा ही नहीं है जी आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया गया है। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, मैंने उसके पास लेके गया तो उसने कही बैटरी डाउन है इसकी। मैं कहा भैया बैटरी डाल दीजिए आप, तो उनने बैटरी डाल दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कही कि सेल्फी मोटर खराब है आपकी। उनने सेल्फी मोटर 200 की डाल रहा था इसमें, हालांकि ये 390 है, आप देख सकते हो 390 और 200 की मोटर डाल रहा है और कह रहा है ये स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये है RC 390, और मैं आपको बता दूं ये वही बाइक है जिसका मैंने अभी हाल ही में इंजन करा है। और मात्र चली है बाइक ये 126 किलोमीटर बंदे ने गाड़ी चलाई है, बस ये देख सकते हो आप। 126 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इन्होंने गाड़ी को दिखाया तो किसी मैकेनिक ने बोला पार्ट टूट गए हैं, इंजन उतार दिया और करीब 2 दिन गाड़ी को रखा। मेरे साथ भाई ऐसे से हो गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती से। मैंने इसको बोला कि भाई गाड़ी को स्टार्ट कर दो, उन्हें वाल टूटे थे, वाल बैंड थे। उसने कहा भाई दिखा, अगर वाल बैंड है तो दिखा कहा है, मैं ये वाल को लेके उन्हीं के पास जाऊँ, उन्हीं से काम करूंगा। अगर ये कस्टमर सही टाइम पे नहीं जाता तो क्या करता, इसका इंजन उतार देता और फलाना फलाना पार्ट कोई पुराना दिखा देता और उसको फिर पैसे ले लेता और आखिर में दिक्कत निकलती बैटरी की। किसी भी मैकेनिक के पास ले जाओगे जो जुगाड़ू इंसान होते हैं, खासतौर जो बिना पार्ट डाले जो पैसे लेना चाहते हैं, वो तो अक्सर यही बोलेंगे कि भाई ये खराब है वो खराब है, लेकिन प्रूफ तुम्हें दे नहीं पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस बाइक का साउंड सुनाता हूँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। और ये देखो एक बार बैटरी देखो, ये बैटरी दिख रही है, ये नई बैटरी है। बैटरी डालने के बाद ही बाइक स्टार्ट हुई। चलो बड़ा चाबी ऑन करो, सेल मारो, स्टार्ट करो गाड़ी को, छोड़ो। ये देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा साउंड डिफरेंट हो गया इसका। और कस्टमर का ये कहना कूलेंट पता नहीं कौन सा डाला, कूलेंट भी इसमें चेंज कर देना, ठीक है। बंद करो गाड़ी बंद करो। तो अभी फिलहाल इसको हम चेक करेंगे हेड को खोल के, कहीं कोई हेड के अंदर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है जो खोला है। खोलो बेटा, फिर देखते हैं कि इसमें निकला क्या। तो यहाँ पे अभी हमने हेड का डब्बा खोल लिया है और चेक करेंगे। कस्टमर ने बोला कि उन्होंने हेड खोला था, तो एक बार हम हेड को बारीकी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइमिंग मिलाई है टॉप पे, ये आप देख सकते हो जो टाइमिंग हो टी के निशान पर है एकदम टॉप पे। अब इसकी मेन टाइमिंग चेक करते हैं कैमशाफ्ट की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा आउट है। तो यहाँ पे आप देख लो टाइमिंग किस तरीके से, ये टी का निशान इधर भाग रहा है और वो टी का निशान इधर भाग रहा है, और जो एरो का निशान है वो काफ़ी ऊपर है, उसका डाउन है। अब मैं आपको मैग्नेट की टाइमिंग दिखाता हूँ। सो ये देखिए दोस्तों, मैग्नेट की जो टाइमिंग देख रहे हो, इसकी जो टाइमिंग है वो एक दांत आउट है, ठीक है, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उसकी टाइमिंग मिला के दिखाता हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग होती किस तरीके से, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे जो है टाइमिंग हमने टॉप पे मिला दी है, जो कि आपको बताया था मैंने टाइमिंग पहले इसकी आउट थी। तो ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे टी एकदम ऊपर की तरफ है, ये देखिए, और जो एरो को निशान है दोनों आमने सामने हो गए, वो टी भी एकदम टॉप पे है। तो कुछ इस तरीके से टाइमिंग मिला जाती है, जो कि पहले जो टाइमिंग हल्की से आउट थी। अब आपको ले चलता हूँ मैं मैग्नेट की तरफ, नहीं तो आप बोलोगे मैग्नेट की तरफ नहीं दिखाया आपने। तो ये देख लो टाइमिंग एकदम टॉप पे, यहाँ पे चलिए आपको मैग्नेट की तरफ लेके चलते। तो यहाँ पे हम आ गए मैग्नेट की तरफ, तो ये देखिए जो टाइमिंग एकदम लाइन है, एकदम सीध में है टाइमिंग, बिल्कुल सीध में देख लो आप। तो और ऊपर से देख लो, ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग इस तरीके से मैंने मिलाई है। देखिए दोस्तों, ये कस्टमर समझदार थे जो हमारे पास बाइक को लेके आ गए। अक्सर ऐसे बहुत से कस्टमर के साथ या बहुतों के साथ होने वाला भी होगा, अगर आपके साथ हो रहा है तो आप सावधान हो जाओ, आपकी गाड़ी सही होने की जगह और ख़राब होने वाली है कुछ टाइम बाद, जैसे कि इनके साथ हुआ। इन्होंने मुझे बताया तो मैं इनको यही बोला, भाई जिस कंडीशन में अभी आपकी बाइक है उस कंडीशन में सेम मेरे पास ले आओ, जो भी बाइक में दिक्कत होगी मैं उसे ठीक करके दूंगा। लेकिन दोस्तों देखा उस मैकेनिक ने क्या करा, इसकी टाइमिंग एकदम आउट कर दी थी एक दादा, उससे क्या वाल अभी तो बैंड नहीं हो, लेकिन जैसे ही गाड़ी को चलाते, हाई स्पीड की गाड़ी है, जैसे ही थोड़ा तेज गाड़ी को भगाते तो वो वाल पिस्टन में टकराते, उसकी टकराने की वजह से वाल भी टूट सकते थे, पिस्टन भी डैमेज हो सकता था। मतलब कि जितना भी इन्होंने पैसा लगा ना, सब बेकार होने वाला था। लेकिन शुक्र है ये बाइक को हमारे पास लेके आ गए, हमने इनकी बाइक को चेक करा, आपने देखा पूरी आरएनडी करी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा इसको फिट करते हैं और फिर करते हैं बाइक को स्टार्ट, डालते हैं बाइक में कूलेंट। 5 hours later. So finally दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो बाइक जो है पूरी कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी जो टाइमिंग कितनी ज्यादा आउट हो रखी थी,
तो यहाँ पे जो हमने बाइक पूरी रेडी कर दी है और बाइक को यहाँ पे चला के चेक कर लिया, गाड़ी की वॉशिंग वॉशिंग करके पूरी यहाँ पे तैयार कर चुके बाइक को। और जिनकी बाइक है वो भाई भी यहाँ बाइक को लेने आ चुके हैं, तो एक बार उनसे पूछ लें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं जो उनके साथ बीती है, तो वो अच्छे तरीके से बता देंगे जो भी है। तो चलिए उसको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर उनके साथ क्या दिक्कत आई और उसमें मैकेनिक ने क्या क्या बताया, चलिए उनसे बात करते हैं पहले। तो चलिए हमारे भाई आ चुके हैं। जी सर बताइए। भाई भाई क्या बताएं, उस मैकेनिक ने तो ना मतलब ये तो कह दिया था कि बाइक का तो इंजन बंदा ही नहीं है जी आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया गया है। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, मैंने उसके पास लेके गया तो उसने कही बैटरी डाउन है इसकी। मैं कहा बैटरी डाल दीजिए आप, तो उनने बैटरी डाल दी। उसके बाद उनने मुझे कही कि सेल्फी मोटर खराब है आपकी, उसने सेल्फी मोटर 200 की डाल रहा था इसमें, हालांकि ये 390 है, आप देख सकते हो 390 और 200 की मोटर डाल रहा है और कह रहा है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने उसे मना कर दिया। अब उसने मेरे पीछे से इसका इंजन डाउन कर दिया और कह रहा कि सर आपके उसमें तो वॉल्व टूटे हुए निकले हैं, इंजन के जो वॉल्व होते हैं वो टूटे हुए निकले हैं जी। तो बस मैं जानता हूँ मैंने किस तरह इसको फुल पैक करवाया बस किसी तरीके, और अक्टर भाई के पास लेकर आया सीधा कि अक्टर भाई आप देखो क्या दिक्कत थी इसके अंदर। भाई उन्हें दिखाया ही नहीं, मैंने तो कहा भाई बॉल दिखा दूंगा टूटे हुए। पता नहीं भाई कैसे स्टार्ट होगी, उसने बस अपने बाइक स्टार्ट कर दी, पर हाँ टाइमिंग जरूर आउट कर दी उसने, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो भी ठेंगा ही बाजे होता है। हाँ जी भाई, बाकी अक्टर भाई बता पाएंगे कि इसमें क्या कुछ हुआ था क्या कुछ नहीं हुआ ढंग से। तो जैसे कि आपने देखा, देखो मुझे ये सब बातें नहीं पता जो इनको बता, क्योंकि जिसके साथ बीती है ना मैं वही बता सकता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा है किस तरीके की टाइमिंग आउट करी गई थी, और ये यहाँ यहाँ की इसकी सिम की सेटिंग बहुत ज़्यादा आउट हो गई थी। ये गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती, जो कह रहे ना बाल टूटे हुए निकले जो उनको नहीं दिखा पाया जब नहीं टूटे, लेकिन अगर ये उस कंडीशन पर जैसे मैकेनिक से लाए थे चलाते ना, पक्का इनका कुछ दिन बाद जो बाल ना टूट ही जाते, क्योंकि उन्हें देखा टाइमिंग पूरा एक दाँता आउट कर रखा था, वो आज नहीं तो कल बाल टूटने देते। मैंने इनको बोला था जिस हालत में आपकी बाइक हो उस हालत में बाइक को लेके आओ, तो यहाँ पे बाइक को लेके आए, आपने देखा मैंने किस सिस्टम किस तरीके से काम करा, पूरी बाइक को चेक करा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारी बाइक है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो चलिए दोस्तों फिर मिलता आपको ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। भाई मैं लास्ट में से एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, देखो ऐसी बाइक है ना आप सिर्फ उन्हीं को दिखाएं जो इन बाइकों को समझ सकते हैं, ऐसे किसी बंदे को मत दिखाना कि जिस तरह मैं लेके गया था जिसको समझ ही नहीं थी इस बाइक को कैसे फिट करना है। उस बंदे ने बाइक तो खोल दी, पर भाई आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदा बता मेरे से क्या पूछ रहा कि इंजन के स्टड कहाँ लगते हैं। अब आप कुछ सोच सकते हो भाई मेरी क्या हालत हुई होगी। बस भाई ये बाइक में यही कहना चाहूंगा कि उन्हीं को दिखाएं जो इन बाइकों को ढंग से फिट करना जानते हैं, जो इनको समझ सकते हैं, ऐसे किसी अनाड़ी बंदे को मत दिखाएं।